जा को राखे साई मार सके ना कोई, कहावत सच होती नजर आई। हृदय विदारक घटना थाना न्यूरिया क्षेत्र से जुड़ी है। यहाँ बाथरूम में नहाने गई 12 वर्षीय सृष्टि अपने घर के बाथरूम में नहाने गई थी, जिसे करंट लगने की सूचना पर उसका 17 वर्षीय भाई विशाल व 38 वर्षीय पिता उमाकांत मासूम बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे तो पिता पुत्र ने अपनी मासूम बेटी को तो करंट से बचा लिया, लेकिन खुद करंट की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक उमाकांत के 3 बच्चे हैं। अब मासूम सृष्टि व ध्रुव से हमेशा के लिए बड़े भाई व पिता का साया हमेशा के लिए सर से उठ गया है। वहीं पिता पुत्र की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रामनाथ जी, क्या सुना था, क्या हुआ आपके वहाँ? मैंने ये धुंध मचा तो मैं भागा, तो लड़के पड़े थे दोनों वहाँ पड़े थे, तो मैंने कहा मैं भी जाऊँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैंने सोचा बचाऊंगा, तो प्रधान ने पकड़ लिया। तो यार क्या आपत्ति है, प्रधान मौके पर आ गया। आपको कौन कौन पड़ा हुआ था, क्या हुआ था, पूरा किस्सा बताओ, क्या सुना था तुमने? ये लड़के हमारा नाती और बेटा दोनों पड़े थे चौथरी आप। हाँ, काहे के लिए पड़े थे, कैसे पड़े थे, क्या हुआ था? उनको करने पकड़ लिया, करने पकड़ लिया उनको। किसको बचाने के लिए गए थे? उन दोनों को गए थे बचाने, लड़के को, लड़का जब गिरा तो उसको बचाने, तब लोग दूसरे ने पकड़ लिया मुझे। क्या हुआ था पूरा मामला? वो मैं कपड़े डालने गई थी तो पहले मैंने तार पकड़ा, उसमें करंट आ रहा था और तभी मैं चिपक गई, और तभी मेरा भाई वो भी चिपक गया, और उसको बचाने के लिए पापा गए, तभी वो भी चिपक गए। करंट किस चीज़ में आ रहा था? तार में मोटर समझो, तार में और नल पे सब में आ रहा था। तो सुबह इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था, उसमें से इनका नाम था उमाकांत और उनका बेटा था जिसका नाम विशाल। उमाकांत की उम्र 38 साल थी, विशाल 17 साल के थे। ये ग्राम धनकुना थाना न्यूरिया के निवासी थे और यहाँ जिस हालत में वो मृत हालत में लाए थे।